द केरल स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर बज रहा है डंका। 100 करोड़ कमाने से बस इतनी सा दूर रह गई है ये फिल्म। एक्ट्रेस आदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर कुछ राज्यों में विरोध था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच इस मूवी के ताबड़तोड़ कलेक्शन की सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं कि 8वें दिन ये फिल्म ने कितना कमा लिया। विवादों से घिरा द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और फिल्म को देखने के लिए पहले ही दिन दर्शकों की भीड़ थिएटर्स में दस्तक दे रही है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी चर्चा है। इसी बीच फिल्म ने पहले हफ्ते में सलमान खान की फिल्म किसी की भाई किसी की जान को कड़ी शिकस्त दे दी है और अब शुरुआत हो चुकी है दमदार सेकेंड वीक की। द केरल स्टोरी का कलेक्शन ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के अनुसार द केरल स्टोरी की पहले हफ्ते की कमाई अगर देखा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 250 की कमाई कर दी है। 250 करोड़ की पूरे भारत की पसंद बनी यह फिल्म वर्ल्ड वाइड में 37 देशों में रिलीज हो चुकी है, जबकि कई प्रदेशों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। इस बीच आइए जानते हैं कि 8वें दिन इस फिल्म का कलेक्शन क्या रहा। बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो फिल्म ने पहले हफ्ते 81.36 करोड़ का कारोबार किया, वहीं दूसरे हफ्ते की शुरुआत 12 करोड़ से हुई। इस लिहाज से फिल्म का कुल कलेक्शन 93.36 करोड़ हो गया है।